पांडेसरा विस्तार में दक्षेश्वर महादेव मंदिर की बाजू में आवेल प्रगति कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लागी हती, जेथी अफरातफरी नो माहौल सर्जायो हतो। आग पर काबू मेळवा माटे फायर ब्रिगेड की टीमें घटनास्थले पहुंची, भारे जहमत बाद आग पर काबू मेळव्यो हतो, ज्यारे बे महिलाओं ने फायर की टीमें उगारी लीधी हती। फायर ब्रिगेड पासेथी मळती माहिती मुजब पांडेसरा विस्तार में आवेल दक्षेश्वर मंदिर पासे आवेल प्रगति कॉम्प्लेक्स में पहला माळे आवेल कापड़नी दुकान में शॉर्ट सर्किट ने कारणे आग लागी हती। आग एटली प्रचंड हती के थोड़ी क्षणों में आगे विकराळ स्वरूप धारण करी लीधुं हतुं अने आगना धुमाड़ा दूर दूर थी जोई शकाता हता। आग पर काबू मेळवा माटे फायर ब्रिगेडना लाशकरो घटनास्थले पहोंच्या हता अने आग पर भारे जहमत बाद काबू मेळव्यो हतो। જ્યારે આગમાં બે મહિલાઓ ફસાઈ ગઈ હતી, જેઓને પણ ફાયરની ટીમે રેસ્ક્યુ કરી બચાવી લીધી હતી, જ્યારે હાલમાં કુલિંગનું કામ ચાલી રહ્યું છે। અમે ને એક પહેલે માલે પે બેઠેલા હતા, તો પછી આગ લાગી ગઈ ને, તો અમે સલાબ કે ઉપર ચાલ્યા ગયા। ઓકે, કેવી રીતે કાઢાયા લોકો પછી? એ લોકોની પછી અમારા હાથ મોકલીને નીચે લાવ્યા। કેટલા જણા હતા ઉપર? અમે બે જણ લેડીઝ હતી, ખાના ખાકે બેઠેલા હતા। हम दो लेडीज थी और आग लगी ना, तो लड़की इसको बोला तो नीचे आ, तो फिर नीचे भी हमको लोग को लस नहीं था नीचे उतरने का, फिर हम लोग बोला चलो सलाब के वहाँ अंदर चले जाएंगे, तो हम लोग सलाब पे जाके बैठ गए। ये फायर कंट्रोल रूम को 2 बजे हमको कॉल मिला है पांडेसरा का प्रगति टावर में। ये प्रगति टावर है, अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ, यूज में नहीं लिया है। ग्राउंड फ्लोर में वो जो पॉलिस्टर मटेरियल्स की रोल्स है वो रखा था, उसमें आग लगा था। हमको मैसेज मिला तो इमीडिएटली हमारा 6 गाड़ी हमने भेजा 3 फायर स्टेशन से, उसके पीछे पीछे 2 फायर स्टेशन से और भी 4 गाड़ी भेज दी है, लेकिन आग बहुत जल्दी काबू में आ गया है। वो ग्राउंड फ्लोर में था, लोगों को पैनिक हो गया क्योंकि वो धुआं जो है फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फ्लोर तक गया, जिसके कारण लोगों को लगा कि पूरा बिल्डिंग पकड़ लिया, जबकि ऐसा नहीं है। ओनली ग्राउंड फ्लोर में एक पोर्शन में ही आग लगा था, जो इमीडिएट काबू में ले लिया गया है। कारण तो जो उनकी ओनरशिप में होंगे बिल्डिंग या जो इधर काम करते वही बता सकते हैं। हम जब आए थे तो पूरा पकड़ लिया था और धुआं था, तो उस टाइम में कारण जानने का मुश्किल है। अभी वहाँ तो 2 लेडीज लोग जो है थोड़ा पैनिक में टेरेस में चले गए थे, वो ऐसे सेफ में थे, लेकिन बाद में उनको लेके आ गए, बाकी तो बाहर आ गए। જ્યારે આગના પગલે દુકાનમાં રાખવામાં આવેલ તમામ સામાન સંપૂર્ણપણે બળીને ખાક થઈ ગયો હતો, જો કે કોઈ જાનહાનિ થવા પામી ન હતી। બ્યુરો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, સુરત।